केजरीवाल छाड़े मुख्यमंत्री पद सुप्रीमकोर्टर शर्तमूलक जमिन मिलवा पर बड़ घोषणा कर दिल्ली मुख्यमंत्री मद नीति दुर्नीति मामलें छह मास जेल रे बाहरी केजरीवाल आ जेल रु बाहर पर चापरे रही मुख्यमंत्री पद छाड़े बोली बड़ सूचना देखते ब्रेकिंग न्यूज वर्तमान समय सीएमओ को जापारे बोली कड़ा शर्त रखी सुप्रीमकोर्ट कौन सरकारी निर्देश में दस्तखत करें शर्त रखिंट सर्वोच्च न्यायालय एसबु भितर आगामी दुई दिन मधे पद छाड़ केजरीवाल एक साधारण सभार घोषणा करजरीवाल अग्नि परीक्षापी मु पूरा प्रस्तुत मो जगार आउ जड़े आप नेता मुख्यमंत्री हे आसंता नवेम्बर दिल्ली सह महाराष्ट्र निर्वाचन हो दावी करजरीवाल पुणि थे कह रखु ब्रेकिंग न्यूज बड़ सूचना बड़ खबर केजरीवाल छाड़े मुख्यमंत्री पद सुप्रीमकोर्टर शर्तमूलक जमिन मिलवा पर बड़ घोषणा कर दिल्ली मुख्यमंत्री मद नीति दुर्नीति मामलें छह मास जेल रे रहिबा पर केजरीवाल जेल रु बाहरी एवं सुप्रीमकोर्ट किसी शर्त जमिन प्रदान करते जे से कौन सरकारी दस्तावेज दस्तखत करें सीएमओ ऑफिस चीफ मिनिस्टर मुख्य कार्यालय को जापारे ना जितेबले ए सबु क्षमता पाखर नि सारी वर्तमान केजरीवाल पद छाड़े बोली एक बड़ घोषणा कर कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं काम नहीं कर पाएंगे पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी केंद्र सरकार ने एक कानून दो कानून तीन कानून कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन इन कंडीशन को भी देख लेंगे लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा फरवरी में चुनाव है आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं तुरंत कराए जाएं चुनाव और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा और मैं जब तक चुनाव नहीं होते मैंने जैसे बताया दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा अगले दो तीन दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा अधिक सूचना पाई आम सहित दिल्ली ब्यूरो हेड गगन बिश्वाल आम सहित फोनलाइन में उपस्थित रहुचंती गगन मुख्यमंत्री पद छाड़े केजरीवाल एवं दुई दिन भितरे कहिचंती जे इस्तफा प्रदान करिवे सूचना कोन ए बाबद रे अधिक देखो निश्चित भाव जी आप कहे रश्मि कौटना कौटि केजरीवाल गोटे इमोशनल कार्ड खेलने चेस्टा करते पार्टी ऑफिस में पहुंची से दलय कार्यालय से संबोधित करते जो कार्यकर्ता रही से ऐलान करते दुई दिन भितर से निजर इस्तफा पत्र देवे जमीती की आप प्रतिक्रिया शुणुते प्रतिक्रिया से कौन जो टर्म एंड कंडीशन मो सुप्रीम कोर्ट लगे से टर्म एंड कंडीशन कौन रुकावट करना इलेक्शन हो मु इलेक्शन मांग करुची इलेक्शन रिजल्ट जहां आसवता परवर्ती पर्यायर लोक मैंने मत भोट देवे और सीट ग्रहण करी तेनालीरु कह चाहे जदि आप लोकंर नेता रश्मि तेणु कंडीशन आपण लगी सत नो डाउट आप बेल मिली किंतु इस्तफा दबा नहीं अनेक दिन रु मांग होता जदि आप सबकि क्लारिटी थी तेणु बहुत पूर्वर जदि से इस्तफा दे था हे तो लोक या विश्वास करते राजनैतिक विशेषज्ञ मैंने चर्चा करने आरंभ कले प्रश्न हूँ बर्तमान कंडीशन से कहीं इस्तफा देवाई चाहते कहीं देखिए रश्मि
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଏମସିଡିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସରକାର ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ତୁ ମେମେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କକୁ ନେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସରକାର ରହିଛି, ଏମସିଡିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନରେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା ଯାହା ହଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଭଳି ଭାବେ ୱାଟର ଲଗିଂ ହେଲା ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ, ଯେହେତୁ ସେ 6 ମାସ ଜେଲରେ ରହିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରସିଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ହିଁ ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ହିଁ ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରସିଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତାପରେ ଗୋଟେ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଦିନ ଭିତରେ ନିଜର ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବେ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ବିଷୟ ରହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନତା ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେଭଳି ଭାବେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲେସନ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ସେଇ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଆଡକୁ ଢଳୁଛନ୍ତି କି ନା ସିଧାସଳଖ ସେ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି ହେଇକି ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନକୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ସେ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପକେଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଲା ପରେ ଏଲଜିଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ପାୱାର ବଢିବ। ଏଲଜି ଅଲରେଡି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ଏଲଜିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଲଜି କିଭଳି ଭାବେ ସେଠି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରସିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଅଲରେଡି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଭେଟିବେ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ନା କଣ ହଉଛି ଅନେକ ଦିଗ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।